तकरीबन 164 साल पहले 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे ने अपनी सेवाएं शुरू की थी और पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक 33 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस ट्रेन में 14 कोच थे और जब ट्रेन 400 मेहमानों के साथ सुबह 3:30 बजे बोरी बंदर पहुंची, तब उस दिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। 1991 में भारतीय रेलवे को राष्ट्रीयकृत किया गया था और यह आज एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एक ही प्रबंधन के तहत संचालित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सर्विस है। साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक रेलवे में करीब 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं। देश भर में पटरियों की कुल लंबाई लगभग 1.21 लाख किलोमीटर है, जिस पर हर रोज करीब 13,000 पैसेंजर ट्रेन दौड़ती है। पूरे देश में 7,349 रेलवे स्टेशन हैं। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। इसकी कुल लंबाई 1,366.33 मीटर है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का चारबाग स्टेशन देश के व्यस्तम स्टेशनों में से एक है। साथ ही यह स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। देश की सबसे बड़ी रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के पीर पंजल में है, जिसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है। हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस सबसे ज्यादा जगहों पर रुकने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है। इसके 115 स्टॉपेज है। भारतीय रेलवे में कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सेवा की शुरुआत नई दिल्ली में 1986 को की थी। नई दिल्ली के मेन स्टेशन के नाम दुनिया के सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम का रिकॉर्ड है। यह उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है।